So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. This is our yet another class of journal entries or the journal chapter. ठीक है, इसे जर्नल को और क्या कहते हैं, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं. जैसे कि मैं आपको पहले इनिशियली फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ये हमारी थर्ड क्लास है जर्नल की. एंड इस थर्ड क्लास में, अभी फर्स्ट क्लास में हमने थ्योरी कवर करी, सेकेंड क्लास में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने इतना डिटेल डिस्कशन करा कि पूरी क्लास उसमें ही निकाल दी. सो अब हम आज आगे सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं इसका, एंड शायद होपफुली थर्ड भी करेंगे. ठीक, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा थ्योरी का डोज लेंगे, एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट ऑन विद आवर प्रैक्टिकल पोर्शन एज वेल. अभी तक मैं जितना आपको प्रैक्टिकल पोर्शन, थ्योरी पोर्शन समझा चुकी हूँ ना, उसके कोरस्पोंडिंग जितना प्रैक्टिकल पोर्शन है उतना कवर करा देती हूँ. फिर थोड़ा थ्योरी करेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर थोड़ा थ्योरी एंड उसके क्वेश्चंस, एंड सो ऑन. ऐसे हमारी गाड़ी चलती रहेगी. चलो, गाड़ी तो चल रही है, अब गाड़ी को चलाने वाले भी आप लोग हो, आप देखोगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगी. अच्छा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा. प्लीज़, अगर आपको कोई भी रिव्यूज है मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे हो, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई नो कि हाँ, आप तक मेरी बातें पहुंच भी रही है, या मैं क्या बहुत ज़्यादा धीरे तो नहीं पढ़ा रही, या बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही. तो फीडबैक तो हमेशा नेसेसरी है. मैं ऑफलाइन भी आपको पढ़ाती, तो मैं आपसे वंस इन अ वाइल फीडबैक लेती ना, तो आप प्लीज़ फीडबैक देना. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. चलो चले क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर टू में जून की ट्रांजैक्शंस हैं 1 से लेकर 30 तक. मैं ना फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बना रही भाई, फॉर्मेट तुम्हें आता है, तुम कोई प्री नर्सरी के बच्चे नहीं हो, तो मैं डॉट 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 बना के दूंगी मैं, तो तुम ए बनाओगे बी बनाओगे, यू नो एवरीथिंग. मैं यहाँ पे आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जर्नल एंट्रीज लिखूंगी एंड उनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगी साथ में. ठीक, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ गुरमान. तो बेटा, जर्नल ऑफ गुरमान में शुरू करने से पहले आप क्या लिखते हो, इन द बुक्स ऑफ गुरमान जर्नल, ऐसे करके लिख सकते हो, या जर्नल ऑफ गुरमान जो आपका मन हो वो लिख दो. मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और लिखा था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन द बुक्स ऑफ गुरमान जर्नल. ठीक है, जून 1 क्या हुआ है, जून 1 पे क्या होता है, एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, उसकी अमाउंट लिखी जाती है, फिर अकाउंट के नीचे 2 लिखा जाता है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है वो लिखा जाता है, उसकी अमाउंट लिखी जाती है. ठीक है, तो ये तो पूरा पता चल गया. नीचे नरेशन लिखते हैं. तो पहले वाले में लिखा है, गुरनाम ने इन्वेस्ट करा कैपिटल कैश में. सबसे पहले किसे पकड़ेंगे, कैश को पकड़ लिया भाई. सबसे पहले किसने कैपिटल इन्वेस्ट करा है, गुरनाम ने. गुरनाम का नाम नहीं लिख सकते हैं यार, गुरनाम का ना कैपिटल जो लाया है उस नाम से लिख सकते हैं. तो कैश हमारे पास बिजनेस में आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कौन लाया, कैपिटल लाया, कितना, 1 लाख. 1 लाख. ठीक, क्या लिखूंगी इसमें मैं, नरेशन में लिख दो बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, या कैपिटल इन्वेस्टेड. ठीक है, रीजन क्या है इसके बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, हमें दिया किसने, कैपिटल वाले ने दिया, मतलब बिजनेस ओनर ने दिया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जून 3, जून 3 में क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश. कैश तो दिख नहीं रहा यार, इंसान को ढूंढ लो, इंसान मिल गया हरीश. दूसरा चीज, परचेजेस हुई हैं, गुड्स परचेज करे हैं हरीश से. तो सिंपल सी चीज, हमारे पास गुड्स आए, परचेजेस करी, एक्सपेंस हुआ, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एंड किसने गुड्स दिए हमें, हरीश ने गुड्स दिए है, तो हरीश इज द गिवर ऑफ गुड्स, तो वो क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश, कितना अमाउंट है, 10,000. क्या लिखे नरेशन में, गुड्स परचेज्ड लिख दो, बस बहुत है.
अगर ज्यादा लिखना है तुम्हें, इतना टाइम है, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बिकॉज कैश नहीं दे रखा ऑब्वियसली, सो अंडरस्टूड है कि उधार पे खरीदे हैं। रीजन क्या है परचेज का डेबिट होने का? परचेज मेरा खर्चा है भाई, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सो डेबिट ऑल दी, सॉरी दी लिख दिया, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हरीश को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि इसने हमें गुड्स दी हैं, सो क्रेडिट दी गिवर, वेरी नाइस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जून 5, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश मिल गया मैम, वेरी नाइस। अलग कर लो इसे, बाकी किसे अलग करोगे? परचेजेस को। इस बार गुड्स खरीदे लेकिन कैश गया है, सो फिर से परचेज एक्सपेंस से डेबिट होगा। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश चला गया गल्ले में से, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी जून 5 की ट्रांजैक्शन आएगी। इस पेज पे करूँ, अगले पेज पे? चलो अगले पे आ जाओ। जून 5, जून 5 परचेज करा, सो परचेजेस डेबिट हो गया बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। कैश में करा, कैश गल्ले में से चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश परचेजेस मेड, हमने कैश में परचेजेस करी, वेरी नाइस। अमाउंट कितना है? अमाउंट है हमारा 8,000, 8,000। मैं आपको एक बात बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, ये जो लाइंस बनी हुई है ना एग्जाम में, लाइंस बनी हुई नहीं आएंगी, लेकिन आप जरूर बना लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं 5th पॉइंट की और अमाउंट देख रहे हैं 7th पॉइंट का, जर्नल एंट्री कर रहे हैं 3rd पॉइंट की, अमाउंट देख रहे हैं 2nd वाले पॉइंट का। तो ये सब गलतियां अवॉइड करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसमें कितनी अमाउंट है हमारी? बिकॉज मेरे आगे भी यहाँ लाइन नहीं हो ना, तो मेरे को डिफिकल्ट लगे थोड़ा, मैं ऐसे ऐसे देखूँ, लेकिन अभी मेरे को क्लियरली विजिबल है। 8,000 के गुड्स खरीदे हैं, रीजन लिखते हैं, परचेजेस अगेन डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश को क्यों क्रेडिट करा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो मैं आरो बना के रीजन लिखती हूँ ना एग्जाम में, ये नहीं लिखकर आना एग्जाम में, तो प्रॉपरली बस डेबिट क्रेडिट लिखना है। ये मैं आपको रीजंस इसलिए लिखवा रही हूँ कि आपको याद रहे, आपको लॉजिक समझ में आए कि क्यों इसे डेबिट करा, क्यों इसे क्रेडिट किया। जून 8 की ट्रांजैक्शन पे आओ, कैश ढूंढो, कैश मिल गया, इंसान को भी पकड़ लूँ क्या? नहीं, अभी इंसान को मत पकड़ो। और कोई चीज़ है? परचेज करे गुड्स मोहित से, हाँ परचेजेस है ना मेरे पास, ठीक। कैश मिला, इंसान को हटा दो एंड फिर देखो और कोई चीज़ है, हाँ जी परचेजेस है, तो परचेजेस ले लेते हैं। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि हमने फिर से एक बार कैश परचेजेस करी हैं। इसकी एंट्री बिल्कुल पहले की तरह ही होगी एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी सेम होगा, इसलिए मैं फटाफट लिख देती हूँ। जून 8 सेम एंट्री, अमाउंट अलग होगा ना बच्चों, अमाउंट है इसका 7,000, सो 7,000, 7,000, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जून 10 कैश दिख रहा है? नहीं कैश नहीं दिख रहा, इंसान दिख रहा है, हाँ जी इंसान दिख रहा है, कैलाश। और कुछ दिख रहा है? हाँ सेल करे हैं गुड्स, तो सोल्ड दिख रहा है, हमने कैलाश को गुड्स सेल करे क्रेडिट पे। बेटा जब गुड्स बेचे तब किसे गुड्स मिले हैं? कैलाश को मिले हैं, कैलाश रिसीवर है, डेबिट कर दो। एंड आपने सेल्स करी है तो सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच में आप ये मान सकते हो कि आपने सेल करी तो गुड्स आपके पास से चले गए, अगर गुड्स गए सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So the entry will be Kailash account debit to sales account. Amount है 2,000, 2,000. Kailash debit to sales account. Goods sold. Goods sell करे ना, so goods sold. What is the reason behind it? कैलाश रिसीवर है गुड्स का, डेबिट द रिसीवर, इसे गुड्स मिले हैं एंड सेल्स हमारी क्रेडिट हुई। वाई? बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे गुड्स चले गए सेल्स में, या फिर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जून 12 कैश है, हाँ जी कैश है, कैश पकड़ लो। कैश के साथ इंसान को भी पकड़ूं क्या? नहीं, अभी मजबूरी नहीं है, इंसान को मत पकड़ो, कुछ और ढूंढो। सोल्ड ढूंढ लिया, तो इसका मतलब हमने गुड्स सेल करे नदीम को फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। हमने गुड्स सेल करे नदीम को कैश के लिए, नदीम गया बाहर में, हमें क्या, सॉरी नदीम दिल पे मत लेना, मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन में नदीम को साइड हटाओ और यहाँ पे बोलो कि हमने गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे हैं, बस इतने से कई ट्रांजेक्शन करनी है। तो हम क्या करेंगे? कैश हमारे पास आया एंड सेल हुआ है,
कितने में सेल हुआ है? जून 12 एंड सेल हुआ है 1500 में. जून 12 1500 में सेल हुआ है, गुड सेल हुआ है ना. सो आपके पास कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया एंड सेल्स हो गई है, मतलब गुड्स बाहर चले गए हैं. कैश सेल्स मेड, या सिर्फ कैश सेल्स भी लिख सकते हो. द रीजन बिहाइंड इट इज कैश इज डेबिटेड बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे गल्ले में पैसे आए. सेल्स को क्रेडिट करा है, वाई? सेम रीजन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और रिवेन्यू वाली रीजन, यही सेम रीजन है बच्चों, बार बार नहीं लिख रही. नेक्स्ट जून 14 गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश. कैश दिख रहा है क्या? नहीं. इंसान को पकड़ लूं? हाँ, मजबूरी है. और क्या दिख रहा है? रिटर्न्ड दिख रहा है. कैलाश ने गुड्स रिटर्न करे. भाई कोई इंसान कौन से गुड्स रिटर्न करेगा आपको, जो उसने आपसे खरीदे होंगे? तो मतलब हमारे सेल करे हुए गुड्स रिटर्न हो गए हैं. अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो ऊपर देख लो, जून 10 के ट्रांजैक्शन में आपने कैलाश को गुड्स बेचे थे 2000 के, अब 14 जून को उसने रिटर्न कर दिए 500 के गुड्स. तो सेल करे हुए गुड्स वापस आ गए आपके पास. डेबिट व्हाट कम्स इन कर लो, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लो. ये गुड्स आपको किसने लाके दिए? कैलाश ने लाके दिए. सो कैलाश इज द गिवर ऑफ द गुड्स, हेंस उसे क्रेडिट कर दो. तो एंट्री होगी आपकी जून 14 सेल रिटर्न हुए हैं, मेरे पास गुड्स आए हैं. सो सेल्स रिटर्न टू कैलाश, सेल्स रिटर्न मेड. सेल्स रिटर्न डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आए. कैलाश को क्रेडिट क्यों करा है हमने? कैलाश को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि क्रेडिट द गिवर, उसने हमें गुड्स दिए हैं. आप ना मेरे को ये जरूर फीडबैक देना. आई डोंट नो आप कौन कौन सी सिटीज, कौन कौन सी कंट्रीज से इनफैक्ट देख रहे हो, तो मुझे नहीं पता आपके यहाँ कौन सी अप्रोच चल रही है कौन सी नहीं. इफ यू वांट कि मैं दोनों, हर एक ट्रांजैक्शन में दोनों अप्रोच लेके चलूँ हर एक चीज में, तो फिर मैं वैसे कर लूंगी. बस हाँ, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, बाकी मैं वैसे भी आपको करके दिखा सकती हूँ. जून 16 पे आ जाओ. गुड्स रिटर्न टू हरीश. कैश दिखा? नहीं. इंसान दिखा? हाँ जी, हरीश दिखा. हरीश को पकड़ लो, हरीश को पकड़ लो. कोई पकड़ मत लेना जाके, तो हरीश को क्वेश्चन में ले लो. उसके बाद गुड्स रिटर्न, तो रिटर्न भी दिख रहा है. अब हरीश को गुड्स रिटर्न करे, कौन से गुड्स रिटर्न करते हैं हम? जो हमने खरीदे होते हैं, जो हमने परचेज करे होते हैं. तो ये तो परचेज रिटर्न की बात चल रही है. परचेज रिटर्न, वेरी नाइस. आपका दिमाग अगर ऐसे चला तो, अब परचेज रिटर्न हुए हैं मतलब खरीदे हुए गुड्स वापस दिए हैं, तो हमारे पास से तो गए. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेरी नाइस, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा. अब हमने गुड्स किसे दिए? हमने गुड्स दिए हरीश को. सो हरीश इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, हेंस ही विल बी डेबिटेड. एंट्री बनेगी हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 360 रुपीज. जून 16 360 रुपीज अमाउंट है. हमने गुड्स रिटर्न करे हैं, परचेज रिटर्न करा है. किसे करा है? हरीश को करा है. तो हरीश हमारा डेबिट हो गया क्योंकि वो रिसीवर है. डेबिट दी रिसीवर. और हमने गुड्स रिटर्न करे, कौन से गुड्स रिटर्न करे होंगे? खरीदे हुए. सो परचेज रिटर्न. तो ये गुड्स हमारे पास से चले गए, दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, नेक्स्ट. जून 18 का ट्रांजैक्शन, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन. सोहन से मशीन खरीदी 8000 की. तो हमने मशीनरी खरीदी है ना, एक तो मशीनरी मिल गया, दूसरा इंसान नहीं दिख रहा है भाई. हमने सोहन से मशीन खरीदी है तो हमें पता नहीं चल रहा है भाई, मशीनरी खरीदी है एंड सोहन से खरीदी है, कैश नहीं है. तो मशीनरी तो आ रही है हमारे पास, साफ सी बात, जो आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें इतना पता है. अब किससे खरीदी? परचेज करी है एंड सोहन से करी है. तो मैम अभी तक तो परचेजेस ले रहे थे, अभी क्यों नहीं ले रहे? बेटा अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे ये याद होगा कि परचेजेस हमेशा गुड्स के रिस्पेक्ट में देखना. गुड्स वो चीज़ होती है जो हम जिसमें डील करते हैं. यहाँ पे मशीनरी का काम नहीं है हमारा, ठीक है? जो भी उसका काम है
मशीनरी का काम नहीं है जब तक नहीं बोल रखा। तो हमने मशीन सोहन से खरीदी, सोहन ने हमें मशीन दी है, सो क्रेडिट द गिवर। मशीन आई, डेबिट करो, सोहन ने दी, वो गिवर है, उसे क्रेडिट करो। 8,000 जून 2018 का ट्रांजैक्शन। जून 2018, 8,000 मशीन आई हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट के नीचे 2 लिखिए, किसने दी मशीन हमें, सोहन ने दी। हम नरेशन में क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। इसका मतलब है बेटा अभी तक हमने उसे पैसे नहीं दिए हैं, उधार पे मशीन खरीदी है तभी उसका नाम लिखा है, मशीनरी डेबिट हुई बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, वेरी नाइस। और सोहन क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट दी गिवर, उसने हमें मशीन दी है तो हमने उसे, गिवर क्या हो गया भाई, उसने हमें मशीन दी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जून 2019 पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। भाई ये जो हमारा इलस्ट्रेशन मन में आया था बिल्कुल वैसा ही है, मैंने तुम्हें कहा था कैश नहीं है कोई बात नहीं इंसान को पकड़ लो, एंड इंसान को पकड़ के पेड हरीश ऑन अकाउंट, हरीश को पे करा अकाउंट पे, मतलब अकाउंट पकड़ने गया मैम, नहीं उसे पे करा है तो भाई कैश में ही तो पे करा होगा। एक कैश को पकड़ो, एक हरीश को पकड़ो। जून 2019 में एक कैश को पकड़ना है, एक हरीश को पकड़ना है। जून 2019 एक कैश को पकड़ना है, एक हरीश को पकड़ना है। क्या हुआ है यहाँ पे, हमने कैश पे करी है हरीश को, तो कैश तो मेरे पास से गई, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 2 कैश हो गया। डेबिट किसे करूं मैं, डेबिट करूंगी मैं हरीश को बिकॉज हरीश को कैश मिली है, हरीश अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट मिली उसे भाई, उसे मिली पूरे के पूरे 5,000 रुपए, 5,000 की अमाउंट मिली। इसके नरेशन में क्या लिखूं, इसके नरेशन में लिखती हूँ पेड टू हरीश। अब पेड कैश टू हरीश ऑन अकाउंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मेरे को शॉर्ट में लिखना था मैंने लिख दिया भाई हरीश टू कैश। इसका रीजन क्या होगा, हरीश यहाँ पे रिसीवर है सो डेबिट दी रिसीवर, एंड कैश क्रेडिट हुआ मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इट इज ऑफ जून 25, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटा हीरो ऑफ द क्वेश्चन, कैश को विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए। मैम आपने कहा था कैश सबसे पहले पकड़ना, कहीं भी हो कैश तो पकड़ ली, दूसरी क्या चीज पकड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। कैश आपने विड्रॉ करा सो कैश तो गल्ले में से गया है, कैश को क्रेडिट करना है, इतना अपने माइंड में क्लियर रखो। डेबिट किसे करूँ, पर्सनल यूज के लिए। अब याद करो जरा अपना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर, जब पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करते हैं तो प्रोप्राइटर उसे नाम देता था, प्रोप्राइटर ही तो करेगा पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे गुरमान ही तो करेगा, तो वो नाम मिलता है ड्रॉइंग्स। अगर आप बिजनेस से प्रोप्राइटर पैसा पर्सनल यूज के लिए लेता है दैट मींस वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, एंड बिजनेस कहता है ड्रॉइंग्स मेरे लिए नुकसान है क्योंकि आप मेरा पैसा ले रहे हो, मैं और बिजनेस मैन अलग है, मैं बिजनेस हूँ आप बिजनेस मैन हो, आप मेरे से पैसे ले रहे हो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करूंगा एंड ड्रॉइंग्स को नॉमिनल अकाउंट मानूंगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है या आ भी सकता है आपके में, सो आप ये याद रखिए। ट्रांजैक्शन जून 25 की ट्रांजैक्शन है 5,000 की। जून 25 की ट्रांजैक्शन है 5,000 की। क्या हुआ है भैया हमारा, कैश विड्रीव करा है पर्सनल यूज के लिए, गल्ले में से मेरे पैसे चले गए यार, कैश को क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसे करूं, डेबिट उसने कहा था कि तुमने पर्सनल यूज के लिए निकाले मतलब तुमने ड्रॉइंग्स करी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। डोंट माइंड मेरा 2 थोड़ा पहले हो गया, आप बाद में लिख लेना, या नरेशन में लिखो बींग, या बींग क्यों लिख रही हूँ, कैश विड्रीव, आपने कैश विड्रीव कर ली गल्ले में से फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ड्रॉइंग्स डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपका लॉस है, एंड कैश को क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गल्ले में से पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। ये आपका अच्छा वाला ट्रांजैक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक। नेक्स्ट पे आऊं,
जून 30 में क्या लिखा है, जून 30 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए। अब इसका क्या मतलब है भाई, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए तो पैसे तो मिले होंगे ना, यहाँ चाहे कैश नहीं लिखा है, आप भावनाएं समझिए क्वेश्चन की, कैश तो मिला होगा ना, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, ये भी बढ़िया है भाई, इसे भी मार्क कर लो। जून 30 का देखो कैश मिला, कैश को डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इतना तो लिख लेते हैं, जून 30। कैश मिला क्योंकि ऑब्वियसली जब ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं तब कैश मिलेगा ही, कितना कैश मिला है, 200 रुपये मिले हैं। हाँ आजकल वैसे भी रद्दी के इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। अब क्रेडिट किसे करूँ भाई, कैश को बेचा क्या लिखूँ यहाँ पे, वो कैश बेचा कह रही हूँ, न्यूज़पेपर को बेचा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ कि न्यूज़पेपर सोल्ड, कुछ ऐसा लिख दूँ। बेटा ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, आपने कोई कबाड़ा बेच दिया, कुछ ऐवी चीजें पड़ी थी फालतू में वो बेच दी, ये सारी आपकी मिसलेनियस इनकम होती है, मतलब जिन वो जो मोटी मोटी इनकम नहीं होती, जिसे आप अलग अलग ग्रुप नहीं कर सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, मिसलेनियस इनकम कहोगे। तो उसी नाम से यहाँ पे मिसलेनियस इनकम के नाम से यहाँ पे आप ये अकाउंट दिखा दोगे। इसका आप देखना जरा रीजन क्या है, कैश आया मेरे पास तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और मिसलेनियस इनकम मेरी इनकम है, सो क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। इसका जरा मॉडर्न वाला मतलब भी बता दो मेरे को, ये रेवेन्यू है एक तरीके का, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, जून 30 लास्ट ट्रांजैक्शन, शुक्र है, चलो। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। मैम कहीं कैश नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कैश नहीं दिख रहा तो कहीं कैश का भाई दिख रहा है क्या, कैश का भाई, हाँ कैश का भाई बैंक, जहाँ कैश ना हो देख लो कहीं बैंक ने तो कब्जा नहीं कर लिया, तो बैंक को ले लेना, तो हाँ बैंक तो दिख रहा है तो बैंक को उठा लो भाई यहाँ से। और क्या दिख रहा है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इन बैंक। अब तुमने कैश ले लिया होता है तो तुम इंसान को नहीं लेते हो, बंदे को नहीं लेते, वैसे ही अगर तुमने उसका भाई बैंक ले लिया है तो इंसान को मत लेना, मोहन को मत लेना। आपने क्या रिसीव करा, आपने रिसीव कर लिया है लोन, एक लोन रिसीव करा है, तो लोन कुछ अलग वर्ड दिख रहा है, ये हो सकता है। सबसे पहले तो आपने लोन लिया मोहन से एंड उसे बैंक में जमा करा, तो बैंक में जैसे ही जमा करोगे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब बैंक के खाते में पैसे बढ़ जाएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे हम। जून 30 बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पैसे बढ़ गए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, गल्ले में, इस बार दुकान के गल्ले में नहीं तो बैंक के गल्ले में पैसे बढ़ गए। अब वो पैसे कैसे बढ़े, कितने पैसे बढ़े हैं, 50,000 रुपये, अरे वाह 50,000 रुपये बढ़े हैं, इसलिए बढ़े क्योंकि हमें लोन मिला है, एक लोन मिला है, वो मोहन ने लोन दिया है हमें, हमें क्या मतलब भाई, लोन लिख लो आप, लोन इम्पॉर्टेंट है। कई जगह अगर लोन नहीं लिखते हैं तो बच्चे मोहन्स लोन भी लिखते हैं सेफर साइड पे चलने के लिए, चलो उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ जो लोन है ना, इसकी मॉडर्न अप्रोच आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लोन वॉज आर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी जब बढ़ती है तब क्रेडिट होती है। अगर मैं आपको यही लोन बताऊँ अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या ये लगाओगे? अगर ये कुछ बच्चे जबरदस्ती लगाना चाहें तो मोहन को क्रेडिट कर देंगे, कर देते वो लोग कह के कि उसने हमें लोन दिया है, तो भाई मोहन का लोन लिखना पूरा, ठीक है। दूसरी चीज आप ये लिख सकते हो क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बाहर जा रहा है क्या? नहीं मैम ये तो लिख ही नहीं सकते हैं। तीसरी चीज, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो ये एक्सपेंस या लॉस है क्या? नहीं मैम वो भी ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो अप्रोप्रिएट क्या होगा आपको कहना, अप्रोप्रिएट होगा आपके लिए कहना डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मोहन ने लोन दिया है तो हमने मोहन के लोन को भाई क्रेडिट किया है, साफ बात, ठीक है। हमारी पूरे का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन खत्म करा था 38 मिनट्स में, इन दिस क्लास वी हैव डन इट अप्रॉक्स इन 24 मिनट्स, सो आई गेस इट इज़ अ गुड पेस फॉर अस, कि मैंने अभी थोड़ा ड्यूरेशन कम कर लिया, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते जब मुझे लगेगा कि हाँ नाउ यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन अ मोर बेटर मैनर एंड जल्दी जल्दी में, तो फिर मैं और अपनी स्पीड बढ़ा लूँगी एंड ये स्पीड हम 24 मिनट्स से 15 मिनट्स कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊँ,
ये वाला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर टू एक और क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री और कर लो भाई, जल्दी जल्दी कराऊंगी बिल्कुल, ठीक है, इजी सा है। मे वन का ट्रांजैक्शन किसका जर्नल है? अमिताभ का जर्नल है, ऊपर लिखना मत भूलना, ठीक है। मे वन, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश मिल गया मैम हमें, अमिताभ ने बिजनेस शुरू करा, अमिताभ का नाम मत लिखना, उसे कैपिटल लिख देना, ये तो हर क्वेश्चन में आता है, ये तो रट सा गया है मैम। कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 80,000 से। कैपिटल को क्रेडिट कर दो कितने से? 80,000 से। नरेशन लिखिए, नहीं मैम नरेशन इसका आता है, मत लिखिए, आप ना रीजन लिख दीजिए, रीजन डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल को क्रेडिट करा क्योंकि वो गिवर है, क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। नेक्स्ट, मे टू का ट्रांजैक्शन, परचेज करा फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश, कैश मिल गया तो इंसान को पकड़ूं या जाने दूं? तो इंसान को जाने दो, ठीक है। तो परचेज करा है, परचेज को पकड़ूं या फर्नीचर को पकड़ूं? परचेज को तब पकड़ो जब गुड्स हो, ये तो असेट है, ये तो फर्नीचर है, तो फर्नीचर को पकड़ो। इसमें फर्नीचर आया एंड कैश गया, बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, पहले भी रिकॉर्ड कर रहा था। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया है उसे डेबिट कर लिया, एंड गया क्या? कैश गया हमारे पास से, उसे क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट? 10,000 एंड 10,000, एंड द रीजन हियर विल बी, फर्नीचर को डेबिट करा बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को क्रेडिट किया बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गले में से पैसे चले गए। मे फाइव का ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश तो नहीं दिख रहा मैम लेकिन कैश का भाई आपने बताया बैंक, वो जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? और कोई चीज़ तो हमें दिख ही नहीं रही। डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब, हिंदी में डिपॉजिटेड इन बैंक का मतलब है बैंक में जमा करे पैसे, आप बैंक में पैसे ही तो जमा करोगे, आप दुकान के गल्ले में से पैसे निकाल के बैंक के खाते में ही तो जमा करोगे, तो जब बैंक के खाते में जमा करे तो बैंक का गल्ला बड़ा, ठीक है, बैंक का गल्ला बड़ा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए बैंक में? 30,000 आ गए, और पैसे गए कहाँ से? दुकान के गल्ले से, कैश में से पैसे चले गए, मतलब हमारे पास कैश कम हो गया एंड बैंक बैलेंस बढ़ गया। ये ट्रांजैक्शन अभी आपके लिए बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है क्योंकि आपने अभी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करी है। आपने इसमें क्या करा, आपने गल्ले में से पैसे निकाल के बैंक में जमा कर दिए, एंड इसका होगा बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन, कॉपी कर देना नरेशन में, इसका रीजन लिख लो, डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा, इसका मॉडर्न अप्रोच में बताना रीजन, मॉडर्न अप्रोच में ये हमारा असेट है, असेट बढ़ रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश का क्रेडिट क्यों हो रहा है? कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गल्ले में से पैसे गए ना, बैंक में जमा हो गए। और दूसरा मॉडर्न रीजन, यहाँ पे असेट कम हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, गॉट इट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा मे सिक्स का, परचेज करे गुड्स फॉर कैश, कैश पकड़ लिया हमने और परचेजेस पकड़ लिया हमने। बच्चों मैं ना ये बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ये बेसिक एंट्री है, मैं यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस करी, एक्सपेंस का डेबिट कर लिया, कैश मेरे पास से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मैंने क्रेडिट कर लिया, ठीक है, परचेजेस डेबिट मेरा एक्सपेंस था एंड टू कैश, कैश मेरे पास से चली गई सो क्रेडिट हो गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितना? 5,000, 5,000, ठीक। नेक्स्ट, मे एट का ट्रांजैक्शन, परचेज करे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, कैश नहीं है तो हरी को पकड़ लो, परचेज करे हैं गुड्स हरी से, इन शॉर्ट हमने क्रेडिट परचेजेस करी हैं, सो फिर से परचेज करा किससे? इस बार कैश नहीं गई, हरी का नाम लिखना है क्योंकि हरी गिवर है हमें गुड्स का, उसने हमें गुड्स दिए हैं 4,500 के, 4,500 के, बिल्कुल पहले वाले ट्रांजैक्शन है इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, वरना फिर से लेंथ बढ़ जाएगी पूरे क्वेश्चन की। मे 10 का ट्रांजैक्शन, कैश दिख रहा है इसमें मैम, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश,
गुड्स खरीदे सुरेश से, खरीदे कैश में, खरीदे कैश को पकड़ो, सुरेश को कहो बेटा तू बैठ जा, और फिर परचेजेस को पकड़ो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने परचेजेस करी है, कैश में परचेजेस करी है 3,000 रुपये की। ये 3,000 की एंट्री क्या होगी, हमने परचेजेस करी 3,000 की, कैसे करी, कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 3,000। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट मई 12, यहाँ पे कैश नहीं दिख रहा है मैम, लेकिन एक इंसान अजय दिख रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, हमने गुड्स खरीदे अजय से खरीदे, तो भाई परचेजेस अगेन ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। 4,000 की एंट्री यहाँ करती हूँ, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। एंड किसने दिए हमें गुड्स, अजय इज द गिवर, सो अजय क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मई 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश दिख रहा है। अब जरा पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, कैश दिख रहा है मैम, हमें कैश ले लिया, दूसरा हमें सोल्ड दिख रहा है। सो मई 14 का ट्रांजैक्शन 7,000 का आप क्या करोगे, कैश दिखा सेल करे गुड्स हमने कैश में 7,000, सो 7,000 रुपये हमारे पास आए ना, तो गल्ले में पैसे बढ़े, कैश डेबिट हो गया। ठीक, कैश डेबिट हुआ, एंड कैसे कैश डेबिट हुआ, क्यों हमारे पास पैसे आए, क्योंकि हमने सेल्स करी है। सो सेल्स तो हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स करना होता है। 7,000, अगर आपको लग रहा हो ना कि नहीं मैंने ये भगा दिया या कुछ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर देना। मैंने ये इसलिए इधर साइड में लिखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सो आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन। मई 15 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू कारिम, करीम है या कारिम है जैसे भी प्रोनाउंस करो आप, कैश नहीं मिल रहा है तो कारिम को ले लिया मैंने। एंड सेल करें हैं गुड्स, कितने के, 6,500 के सेल करें गुड्स, सेल करें, अगेन मैं सेल्स बुक कर लूंगी अपनी, गुड्स गए हैं मेरे पास से कितने के, 6,500 के। मेरे पास पैसे आए क्या इसके बदले, नहीं पैसे तो नहीं आए हैं, लेकिन मैंने किसे गुड्स पहुंचाए हैं, कौन है रिसीवर गुड्स का, कारिम है रिसीवर गुड्स का, तो मैंने उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मई 16 का ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, कैश तो मिल गया मैम, अब गणेश को लूँ, नहीं अब गणेश को मत लो, आप सोल्ड को दो। आपने ना, इन शॉर्ट आपने गणेश को गुड्स कैश में बेचे, मतलब कैश आया एंड सेल्स बुक कर लो अपनी 5,000 की, कैश आया एंड सेल्स बुक कर लो 5,000 की। लेट मी चेंज द कलर, कैश आया आपके पास 5,000 एंड आप क्या बुक कर लो, सेल्स बुक कर लो, क्योंकि आपके गुड्स चले गए हैं 5,000 के। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन करा था, ये बहुत अच्छा है इसलिए स्टार मार्क कर लो, अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन करा था, उसमें लिखा था पर्सनल यूज, तो हमने ड्रॉइंग्स माना था, यहाँ ऑफिस यूज के लिए है। इसका अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊँ ना, प्योर हिंदी में, तो इसका मतलब ये है भाई, बैंक से पैसे निकाल के लाई क्योंकि दुकान के गल्ले में जरूरत थी, ऑफिस के गल्ले में जरूरत थी। अब बैंक से पैसे निकले और गल्ले में पैसे आए, तो मेरे पास कैश आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, और मेरे पास क्या चला गया, मेरा बैंक बैलेंस चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसकी एंट्री क्या होगी, ये है मई 19 की एंट्री, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ। मई 19 गल्ले में पैसे आए क्योंकि मैंने विड्रॉ करे हैं पैसे, एंड पैसे कम कहाँ हुए, बैंक से कम हुए। ठीक है, कितने कम हुए, देखो विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। नरेशन में पूरा क्वेश्चन का जो लिखा हो वो लिख लेना, कैश गल्ले में पैसे आ गए और बैंक से पैसे कम हो गए, इसका रीजन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गल्ले में पैसे आए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अकाउंट से पैसे कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मई 20 कारिम पेड ऑन अकाउंट, कारिम का कोई अकाउंट खुला होगा उस पे उसने हमें कुछ पे करा है, तो कैश पे करा है ऑब्वियसली, कारिम ने कैश पे करा 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पेमेंट करा है कारिम ने, तो मेरे पास क्या हुआ भाई, कारिम ने पेमेंट करी तो मेरे पास तो कैश आया, कैश को डेबिट कर दो, किसने दिया हमें, हमें कारिम ने दिया। ठीक, इसका बेटा एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, कैश आया डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कारिम ने दिया सो कारिम इज द गिवर सो क्रेडिट दी गिवर। इसका डेट क्या है भाई, मई 20
ठीक है। नेक्स्ट, मई 29 में पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है जहां पे हम रहते हैं, प्रोप्राइटर या बिजनेस ओनर जहां रहता है उसने वहां का रेंट पे करा गल्ले में से, दुकान की गल्ले में से 6,000 रुपये। मई 29 6,000 रुपये का उसने रेंट पे करा है अपना रेजिडेंस का। तो क्या करना चाहिए, रेंट को खर्चा मान लूं क्या? बिजनेस कहेगा नहीं, मैं अलग हूँ, आप ओनर अलग हो, आपसे मेरे को मतलब नहीं है, आपने मेरे से पैसे लिए ना रेंट पे करने के लिए, मैं तो उसे ड्राइंग्स मानूंगा, मेरा नुकसान हो गया। भाई तुमने मेरे से पैसे ले लिए, मेरा उसमें कुछ भी वो नहीं था, बिजनेस के थोड़ी पैसे हैं, वो तो तुम्हारे घर के पैसे हैं। तो ड्रॉइंग्स हुई और पेमेंट करनी पड़ गई बिजनेस को, तो गले में से पैसे चले गए। ठीक है, क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स लॉस हो गया, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश गल्ले में से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फाइन। नेक्स्ट, मई 30 परचेज्ड अ साइकिल फॉर हिज सन। फिर से भाई इतना सब कुछ बोलने के बाद बिजनेस कह रहे मैं अलग हूँ, ओनर तुम अलग हो, तब भी अब उसने क्या करा, गल्ले में से पैसे निकाले और अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद ली 3,000 की। वो बोला मैं फिर से ड्रॉइंग मानूंगा, तुम करते रहो, मेरे को क्या है, मैं फिर से ड्रॉइंग मानूंगा। अब वो मई 30 को फिर से ड्रॉइंग मानेगा उसे, मई 30 3,000 की साइकिल खरीदी है ना, तो बिजनेस बोलता है यार मेरे लिए तो ये नुकसान हो रहा है, मैं कोई तुम्हारे बच्चों का बाप थोड़ी हूँ यार तुम हो, मैं अलग हूँ, बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। तो फिर से ड्रॉइंग्स हो गई और तुमने गल्ले में से मेरे पैसे निकाल लिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि गल्ले में से पैसे निकले हैं, और ड्रॉइंग्स को डेबिट करा बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेरी नाइस। लास्ट ऑफ ऑल आई गेस, वेरी गुड, लास्ट है, पेड टू अजय, अजय को पे करा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ये क्या आ गया यार, ऑन हिज अकाउंट तो सुना था, ऑन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,800। कैश नहीं है तो अजय को पकड़ लूँ? हाँ, उसे पेमेंट करिए अकाउंट पे, तो आप कहते थे कैश ले लो, कैश की पेमेंट करी होगी, हाँ जी ये भी पकड़ लो। सो ये तो समझ आ रहा है मैम, कैश पे करा है ना मई 30 को, मई 30 को कैश पे करा है, अजय को पे करा, अजय डेबिट हो गया, कैश पे करा सो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखना जरा और भी कुछ बोला है इन्होंने, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब अजय ने कहा भाई मेरा खाता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बंद कर लो, तुमने मेरे को जितने पैसे देने थे, जो भी मेरी अमाउंट आ रही थी उसके बदले पैसे दे चुके हो। ऊपर देखना अजय आ कहाँ रहा है, मई 1 में आ रहा है, मई 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, कहाँ आ रहा है अजय? अजय आ रहा है मई 12 में। यहाँ पे अजय से हमने गुड्स खरीदे थे 4,000 रुपये के, और नीचे कहीं भी अजय नहीं है, और सबसे नीचे हमने उसे पेमेंट कर दी 3,800 की। तो बच्चों अजय ना स्टैंड कितने पे कर रहा है, अजय स्टैंड कर रहा है 4,000 पे। ध्यान से सुनना, ये आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है तुम्हें, मैंने नहीं पढ़ाया है, अगर तुम ये समझ गए मतलब तुम वो कॉन्सेप्ट समझ गए क्लास होने से पहले। 4,000 के गुड्स मतलब अजय को पेमेंट करनी थी, और हमने पेमेंट करी है सिर्फ 3,800 की, ये तो गलत हो गया मैम, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। तो इक्वल बिठाने के लिए क्या करूँ, यहाँ पे 200 की कमी पड़ रही है 2 वाली साइड में, क्या कहूँ मैं? 4,000 रुपये अजय को देने थे, मैंने दिए 3,800, मतलब मेरे को कोई डिस्काउंट मिला था जब मैं उसे पैसे देने गई, मैंने कहा प्लीज़ यार कोई डिस्काउंट दे दो, 4,000 रुपये के बदले 4,000 लोगे, प्लीज़ तुमसे तो मैं इतनी बार सामान लेती रहती हूँ, आगे भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दूंगी। तो उसने कहा चलो ठीक है तुम 3,800 पे कर दो, 3,800 मैंने पे करे, दैट मीन्स 200 का मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। और ये डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या होगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए गेन होगा, सो आई एम क्रेडिटिंग ऑल दी इनकम एंड गेन्स। आपने देखा कैसे ये लॉजिक फिट बैठा बिल्कुल एकदम यहाँ पे। अगर समझ आया वेरी गुड, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास हमारी इसके ऊपर ही है कि डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं, डिस्काउंट होता क्या है, उन्हें रिकॉर्ड कैसे करना है। अच्छा अजय को डेबिट क्यों करा, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि इसे मिला है कैश मिला है, कैश को क्रेडिट क्यों करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन, डेबिट एंड क्रेडिट मैच भी हो गया, 4,000 4,000 भी हो गया, एंड क्वेश्चन का क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पिछली वाली क्लास में इतनी देर में एक क्वेश्चन सॉल्व करा, इस वाली क्लास में वी हैव सॉल्व्ड टू क्वेश्चंस इन द सेम ड्यूरेशन, इन द सेम मैनर, इन द अपकमिंग क्लासेस एज वेल वी विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, चलो
दैट्स इट फॉर दिस. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड लाइक ऑल द वीडियोस एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. चलो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर.